माँ, मैं सोच रही थी कि इस दिवाली घर चली जाऊं। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? बोल क्या रही हो तुम? क्या हुआ मम्मी? तेरी बीवी कह रही है कि दिवाली पे अपने मायके जाएगी। अब क्या बोलूं मैं इसको? राज, पहली बार ऐसा हो रहा है कि दिवाली पे पापा अकेले हैं, और तुम तो जानते हो ना, मेरे अलावा उनका इस दुनिया में और कोई नहीं है। हाँ रितु, पर शादी के बाद तुम्हारे साथ हमारी पहली दिवाली है। तभी तो कह रही हूँ, दिवाली की शाम तक लौट आऊंगी, पूजा सब साथ में करेंगे। पर रितु, ये कैसे पॉसिबल है? तुम्हारे फादर रहते कोलकाता में और हमारा घर यहाँ दिल्ली में है, तुम पूजा के टाइम पर कैसे आ पाओगी? नहीं देखो, मैं दिवाली से एक दिन पहले चली जाऊंगी। दिवाली के दिन पहले मुहूर्त पे पूजा पापा के साथ करके फ्लाइट पकड़ के वापस आ जाऊंगी, और दूसरे मुहूर्त पे हम साथ में पूजा कर सकते हैं। अच्छा, तुम्हारे चक्कर में हम कितने लेट हो जाएंगे पूजा करने में? और तुम्हें पता भी है एक दिन पहले कितना काम होता है घर में। पर माम, मैं सिर्फ... कोई कहीं नहीं जाएगा, मुझे और कुछ नहीं सुनना। तुम अगर फ्री हो तो आज मुझे शॉपिंग के लिए ले चलो। शॉपिंग? पर रितु, दिवाली की शॉपिंग तो मैं तुम्हें करवा चुका हूँ ना। वो मैं सोच रही थी कि घर नहीं जा रही दिवाली पे, एटलीस्ट पापा के लिए एक कुर्ता ही लेके कुरियर कर देती हूँ। क्या जरूरत है इसकी? तुम्हारे पापा को इतने बच्चे तो है नहीं जो अपने लिए कुर्ता नहीं खरीद सकते। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। देखो रितु, घर में ना बहुत काम है, थोड़ा उस पे ध्यान दो। और मैंने तुम्हें मिठाई बनाने को बोला था, उसकी तैयारी करो। और वैसे रितु, मुझे भी ऑफिस में बहुत काम है, तो मैं तुम्हें शॉपिंग के लिए नहीं ले जा सकता, सॉरी। हेलो राज, कहाँ हो तुम? रितु, मैं बस अभी ऑफिस से निकला हूँ। क्या, तुम अभी निकले हो? राज, आज दिवाली है, आज तो कम से कम टाइम पे आ जाते। यू नो माँ जी कब से वेट कर रही हैं तुम्हारा। रितु, मैंने तुमको बताया था ना कि आज मेरी फॉरेन क्लाइंट के साथ मीटिंग है, उनको दिवाली से क्या लेना देना। वो सब तो ठीक है, बट अच्छा सुनो, पीछे मुड़ो। तुमने तो कहा था लेट आओगे। सरप्राइज। पापा, पापा आप यहाँ कैसे? राज, राज लेकर आया मुझे यहाँ। राज, अब दिवाली पर पापा को घर पे अकेला कैसे छोड़ सकते? I can't believe ये तुमने किया है, थैंक यू सो मच। थैंक यू मुझे नहीं, मम्मी को बोलो, ये सब प्लान मम्मी का ही था। माँ ने कब? अब ये तो तुम उन्हीं से पूछो। पापा, हम अंदर चलते हैं। हाँ, चलो। माँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू क्यों बोल रही है? राज ने बताया मुझे, आपने बुलाया ना पापा को। देख बेटा, दिवाली अपनी फैमिली के साथ मनाते हैं, और अब तेरे पापा भी तो हमारी फैमिली है, तो मैं उन्हें अकेला कैसे छोड़ देती? पता है माँ, मुझे लगा इस बार शायद पापा दिवाली अकेले ही मनाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं पहले बता देती और ये सारा ड्रामा ना करती, तो ये जो तेरे चेहरे पे हंसी है ना, वो मैं कैसे देखती? आपने इतना सोचा माँ, थैंक यू। चल जा, अब जल्दी अपने पापा को राज को बुला के आ, पूजा का मुहूर्त निकल जाए। अभी बुला के लाती हूँ।
when you're part of a family and support the family.